दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्द भाईजान की फिल्म टाइगर 3 पर्दे पर आने वाली है, जिसका हाल ही में हमें ट्रेलर भी देखने को मिल चुका है। और इस ट्रेलर को देखकर सभी दर्शक बेहद खुश हुए हैं और अपने तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड के सितारों का भी कुछ रिएक्शन सामने आया है फिल्म के ट्रेलर को लेकर। पर आखिर क्या कहा है उन सब सितारों ने अपना रिएक्शन देते हुए, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, अक्षय कुमार। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की, जो कि फिल्म के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर है वो इन्हें बहुत पसंद आया है। और जब इन्होंने इस ट्रेलर को देखा तब इन्होंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि वाकई सलमान खान, मान गया तुम्हें, इतनी जबरदस्त एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और मुझे तुम्हारी टाइगर 3 का ट्रेलर इतना ज्यादा पसंद आया है कि तारीफ के लिए मेरे लफ्ज भी खत्म हो चुके हैं। नंबर दो, आलिया भट्ट। दूसरा नाम है अभिनेत्री आलिया भट्ट का। बता दें कि इन्होंने जब टाइगर 3 का ट्रेलर देखा तो ये भी बहुत खुश नजर आई और इन्होंने भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सलमान सर तो बॉलीवुड के भाईजान हैं और जब भाईजान कोई फिल्म लाते हैं तो बॉलीवुड पूरा सहम जाता है। और यही वजह है कि आज भाईजान की फिल्म का ट्रेलर ही इतना जबरदस्त है कि आप सभी के साथ साथ मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू फिल्म सलमान सर। नंबर तीन, ऋतिक रोशन। अभिनेता ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन को भी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर इतना ज्यादा पसंद आया है कि सलमान खान की तारीफ करते ये नहीं थक रहे और इन्होंने भी अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि वाकई सलमान सर, मैं भी आपको मान चुका हूँ, जिस तरह से फिल्म का ट्रेलर है इतना जबरदस्त और उसमें आपकी एक्टिंग, अब मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरी फिल्म को देखने के लिए। वेल दोस्तों, आप सबको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।